कॉटन प्रिंस ऑफ इंडिया, अ चैंपियन ऑफ स्वदेशी, अंग्रेजों ने जिन्हें सर की उपाधि दी, होलकर्स ने जिन्हें राजा राव की उपाधि दी, ऐसी कौन थी वो शख्सियत जिसने अंग्रेजों को भी बिना ब्याज के लोन दिया? तो आइए बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसे मध्य भारत का सबसे अमीर आदमी और दुनिया का सबसे बड़ा सटोरिया कहा जाता था। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर सेठ हुकुमचंद की, जिनका जन्म इंदौर के ही एक व्यावसायिक घराने में सन 1874 में हुआ और उन्होंने अपने साहस और प्रतिभा के दम पे उस समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था करोड़ों का साम्राज्य फैला दिया। दोस्तों, सर हुकुमचंद को मास्टर ऑफ स्टॉक मार्केट कहा जाता था। इनकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी तस्वीर आज भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लगी हुई है। ये जब चाहे तब किसी भी कमोडिटी या शेयर के भाव उछाल या गिरा देते थे। और इनकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि ऐसी कहावत थी कि आज को भाव तो यो है, कल को भाव सर हुकुमचंद जाने। इन्हें कॉटन प्रिंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने कई सारे कपड़ा मिलों की भी स्थापना की थी, वो भी इंदौर शहर में, जिनमें प्रमुख थी राजकुमार मिल, कल्याण मिल और हुकुमचंद मिल। कल्याण मिल तो उस समय की सबसे आधुनिकतम मिल थी। साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले इंडिया में जूट मिल की स्थापना करी, उसके साथ साथ आयरन मिल की भी सबसे पहले स्थापना इन्होंने ही करी, इसलिए इन्हें पायोनियर ऑफ स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भी जब इनसे सहयोग मांगा स्वदेशी आंदोलन के लिए तो इन्होंने खुले हाथों से दान दिया और कस्तूरबा ग्राम के लिए 40 एकड़ जमीन दान में निःशुल्क दे दी। सेठ हुकुमचंद सिर्फ अपनी अमीरी के लिए ही नहीं जाने जाते, उन्हें जाना इसलिए भी जाता है क्योंकि उन्होंने कई सारे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर खुले हाथों से दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन उस समय 80 लाख रुपए का दान दिया, जो कि आज की कीमत यदि हम लगाए इन्फ्लेशन के आधार पे तो वो कई हज़ार करोड़ रुपए के बराबर होता है। इन्होंने कल्याणमल आई हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम और भी कई सारे शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों की स्थापना करी, जिसमें हेल्थ के क्षेत्र में इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इन्होंने इंदौर में कपड़ा व्यापारियों के लिए एक कपड़ा मार्केट की भी स्थापना करी। सेठ हुकुमचंद ने पैसा तो खूब कमाया पर उसे खर्चा भी खूब किया। इन्होंने अपनी महलनुमा कोठी बनाई जिसे आज हम इंदौर में हुकुमचंद घंटा घर के नाम से जानते हैं, और इनकी गोल्ड प्लेटेड रोल्स-रॉयस डैमलर को तो कोई भी नहीं भूल सकता। वो जब रिपेयर के लिए इनकी कार रोल्स-रॉयस कार लंदन में एक बार भेजा गया था तो उसको रिपेयर कराने का खर्चा ही 2 करोड़ रुपए आया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या महिमा और क्या आन बान और क्या झांकी मंडप रहा होगा सर सेठ हुकुमचंद जी का। इनके जीवन के अंतिम पड़ाव में इनका रुझान मुख्यतया धार्मिक विषयों की तरफ हो गया। इन्होंने अपना जीवन धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने इंदौर में भगवान महावीर का आलीशान कांच का मंदिर बनाया है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर पुराने इंदौर में स्थित यह कांच मंदिर हमें ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कई सारी धर्मशालाओं का भी निर्माण करवाया। जैन तीर्थंकरों की के जो तीर्थ होते हैं उन्हें भी काफ़ी दान दिया, और नसिया रोड, नसिया जो इंदौर में क्षेत्र है वहाँ पर एक बहुत अच्छी धर्मशाला बनाई, और सामाजिक सेवाओं के प्रति ही जीवन के अंतिम समय में इनका रुझान रहा। दोस्तों, इन्होंने इतना अकूट संपदा कमाई, इतना अथाह धन कमाया कि आज़ादी के पहले इनकी गिनती टाटा और बिरला जैसे व्यवसायिक घरानों के साथ की जाती थी, परंतु इनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ रही वह इतनी व्यवसायिक कुशल या इनकी तरह प्रतिभाशाली नहीं रही, तो धीरे धीरे इनका जो नाम था इनके वंशज जितनी आगे नहीं ले जा पाए और इनकी लेगेसी धीरे धीरे करके अब समाप्त हो गई है। परंतु फिर भी ऐसा व्यक्तित्व
हमारे इंदौर में हुआ, इसके लिए हम धन्य होते हैं सेठ हुकुमचंद जी, भारत के सबसे अमीर सटोरिए दुनिया के। हम हर्षद मेहता को कहते हैं कि यार इसने शेयर मार्केट में क्या खलबली मचाई, पर दोस्तों असली खलबली तो सर सेठ हुकुमचंद ने मचाई थी। तो आप ज़रूर बताइएगा, आप सर सेठ हुकुमचंद के बारे में यदि कुछ और जानते हो तो आप ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा, और आप हमें भी बताइएगा कि आपको हमारा यह प्रोग्राम सर सेठ हुकुमचंद के ऊपर कैसा लगा। धन्यवाद।